हेलो फ्रेंड्स, मैं ओएस और आप देख रहे हैं जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम देखेंगे ड्यूनाइट का पेट्रोग्राफी, मीन्स ड्यूनाइट रॉक का जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो जो ड्यूनाइट टर्म आ रहा है, यहाँ से आपको हिंट आ जा रहा कहीं ना कहीं ड्यूनाइट जो है ओलिवियन रिच है। आपने अगर ट्रायंगुलर डायग्राम देखा होगा, ये देखिए, ये ट्रायंगुलर डायग्राम है, ये जो रीजन है ओलिवियन का, ये अल्टामाफिक रॉक का क्लासिफिकेशन IUGS के द्वारा, और ये जो रीजन है वो है पायरोक्सी OPX का, एंड ये है CPX क्लिनोपायरोक्सिन ऑर्थोपायरोक्सिन। तो ड्यूनाइट का जो रीजन रहता है यहाँ पर रहता है, जहाँ कवर की ओलिविन 19 से भी ज़्यादा रहता है, तो इसी रीजन में जो रॉक फॉर्म होता है उसे ही हम बोल रहे हैं ड्यूनाइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए ओलिविन का परसेंटेज 90 से भी ज़्यादा रहेगा। तो आप देखते हैं चलिए ड्यूनाइट क्या है। तो इसका जो कंपोजिशन रहेगा अल्ट्रा बेसिक, ऑब्वियसली अल्ट्रा बेसिक रहेगा, मींस सिलिका का परसेंटेज यहाँ पर 45 से भी लेस रहेगा। ठीक है, सिलिका का परसेंटेज 45 से भी लेस रहेगा। ठीक, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर ओलिविन ही 90 है, तो बहुत माइनर अमाउंट में सिलिका रहेगा, मैं मतलब 45 से लेस ही है, मे बी ये 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट लेस रहेगा 45 से ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर 90 ही है ओलिविन। ठीक है, 100 में से 19 जा रहा है तो 10 रह रहा है, फिर यहाँ पर OPX है CPX है, तो सिलिका बहुत ही माइनर अमाउंट में, नेग्लिजिबल अमाउंट में रहेगा। अब बात करते हैं इसका जो अगर डेप्थ की, जहाँ पर ये फॉर्मेशन होता है, तो ये रहेगा प्लूटोनिक डेप्थ में। प्लूटोनिक मीन्स हाई टेम्परेचर रीजन में फॉर्म होगा, हाई टेम्परेचर रीजन में फॉर्म होगा मतलब इसके जो कंस्टिट्यूएंट मिनरल ग्रेन है, क्रिस्टल है, उसको ग्रो करने के लिए सफिशियंट टाइम मिलेंगे, सफिशियंट टाइम मिलेंगे तो ऑब्वियसली ये कोर्स ग्रेन दिखाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसका कलर इंडेक्स। कलर इंडेक्स जो है इसका मेजोक्राटिक, ठीक है, इसका कलर इंडेक्स रहेगा मेजोक्राटिक टू मेलानोक्राटिक। अब मेजोक्राटिक क्या है, मेलानोक्राटिक क्या है, आपको पता ही होगा, नहीं पता फिर भी मैं नंबरिंग यहाँ कर देता हूँ। ये देखिए मेजोक्राटिक और एक है मेलानोक्राटिक। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर इंडेक्स, ठीक है, हम जो है रॉक को 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं उसके कलर के हिसाब से। एक रहता है ल्यूकोक्राटिक, टॉप में लिख देता हूँ मैं, ल्यूकोक्राटिक, मेजोक्राटिक, मेलानोक्राटिक। ठीक है, तो ल्यूकोक्राटिक क्या होता है ना, लाइट कलर का रहता है, मेजोक्राटिक ग्रे मतलब इंटरमीडिएट स्टेट में रहता है, ग्रे रहता है, और मेलानोक्राटिक जो रहता है डार्क कलर का रहता है। तो ये ऑब्वियसली मेजोक्राटिक टू मेलानोक्राटिक है, मतलब इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट ग्रे टू डार्क रहेगा, मतलब लाइट कलर ये दिखाएगा इन्हें। अब ये जो मेजोक्राटिक है, ये इसका जो कलर इंडेक्स का जो रहता है, ये 31 to 60 तक रहता है, और ये 61 to 100, और ये जो रहता है वेरी करता है 30 तक। ठीक है, 0 to 30 ये वेरी करता है लिकोक्राटिक, बट मेजोक्राटिक 31 to 60 और मेलानोक्राटिक 61 to 100। तो ये मेजो टू मेलानोक्राटिक है, तो ऑब्वियसली ये 31 to 100 में ये देखिए वेरी करेगा इसका कलर इंडेक्स। ठीक है, और ये जो रहेगा ऑब्वियसली ग्रे कलर करेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट और डार्क में ही ये वेरी कर रहा है। हम देखते हैं इसका टेक्सचर क्या है। हेमी क्रिस्टलाइन रहेगा, हेमी क्रिस्टलाइन मीन्स इसका जो क्रिस्टल जो ग्रो करेंगे, ये इंटरमीडिएट स्टेट में ग्रो करेंगे। एक रहता है होलो क्रिस्टलाइन और एक रहता है होलो हेलिन। होलो क्रिस्टलाइन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्रिस्टल ग्रो करेंगे, मतलब होली क्रिस्टल रहेगा रॉक में, बट जब बात आता है होलो हेयरलाइन का तो वो ग्लासी रहेगा, बट ये हेमी क्रिस्टलाइन है, मतलब होलो क्रिस्टलाइन और होलो हेयरलाइन का बीच में ये रहेगा, इंटरमीडिएट स्टेट में इसका टेक्सचर भी रहेगा। यहाँ पर देखिए कलर इंडेक्स भी इंटरमीडिएट स्टेट में था, टेक्सचर भी इंटरमीडिएट स्टेट में है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टलिनिटी। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रानुलरिटी, ये मीडियम टू कोर्स ग्रेन दिखाएगा। ठीक है, ग्रानुलरिटी के हिसाब से भी ये इंटरमीडिएट में है, मीडियम टू कोर्स ग्रेन में दिखाएगा, इंटरमीडिएट नहीं मतलब ये मीडियम टू कोर्स ग्रेन के बीच में ही वेरी करेगा। ठीक है, यहाँ पर जिसे मेजोक्राटिक टू मेलानोक्राटिक के बीच में वेरी कर रहा था, यहाँ पर भी वो मीडियम टू कोर्स ग्रेन के बीच में वेरी करेगा इसका ग्रैनुलरिटी। इसी तरह आप देखते हैं इसका म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ मिनरल ग्रेन्स। ठीक है, इक्वी ग्रैनुलर रहेंगे, मतलब जो ग्रेन रहेंगे इसके इक्वल साइज के रहेंगे। ठीक है, मिनरल का जो ग्रेन रहेंगे कहीं ना कहीं साइज में इक्वल रहेंगे, दैट्स व्हाई हम इसे बोल रहे हैं इक्वी ग्रैनुलर टेक्सचर। अब ये इक्वी ग्रैनुलर में भी ये देखिए हाइपीडियोमॉर्फिक दिखाएगा और पानीडियोमॉर्फिक दिखाएगा। तो अब हाइपीडियोमॉर्फिक क्या है, पानीडियोमॉर्फिक क्या है, देखते हैं। तो ये देखिए हाइपीडियो मीन्स यहाँ पर जो क्रिस्टल रहेंगे वो सब हेड्रल रहेंगे। ठीक है, और पानीडियो मीन्स यहाँ पर जो क्रिस्टल रहेंगे वो यू हेड्रल रहेंगे।
अब सब हेड्रल क्या है, यू हेड्रल क्या है देखते हैं। ये देखिए सब हेड्रल मीन्स यहाँ पर जो क्रिस्टल रहेंगे उसके फेस पार्टली डेवलप रहेंगे और यू हेड्रल में फुल्ली डेवलप रहेंगे। अगर ये देखिए ये कोई क्रिस्टल है तो इसका ये देखिए फेस इजीली हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, वो वेल डेवलप है, ठीक है। ये फेस है, ये देखिए ये फेस हुआ, ये फेस वेल डेवलप है, तो इसे हम बोलेंगे यू हेड्रल, ठीक है। बट क्या हो अगर ये पार्शली डेवलप रहे, मतलब दो फेस डेवलप है, थर्ड नंबर फोर नंबर उतना अच्छा से डेवलप नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये दो फेस डेवलप है बट यहाँ पर रफ सरफेस है, फेस डेवलप नहीं हुआ, तो इसे हम क्या बोलेंगे सब हेड्रल, मतलब यहाँ पर फेस का डेवलपमेंट उतना अच्छा से नहीं हुआ। बट इन केस ऑफ यू हेड्रल यहाँ पर फेस का डेवलपमेंट वेल डेवलप है, ठीक है। अब और एक रहता है अनहेड्रल। अब हाइपीडियोमॉर्फिक मीन्स यहाँ पर जो भी जो क्रिस्टल रहेंगे ये रॉक में जो भी मिनरल रहेंगे उसके क्रिस्टल जो भी रहेंगे वो सब रहेंगे, जितने भी मिनरल है अप्रोक्सीमेटली सब हेड्रल टू यू हेड्रल वेरी करेंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पर ये देखिए नेमिंग भी है इक्वी ग्रानुलर, मतलब ग्रानुलरिटी में भी ये इक्वल दिखाएगा, मतलब जो ग्रेन रहेंगे इक्वल टाइप में रहेंगे बट ये ग्रैनुलरिटी में मीडियम टू कोर्स ग्रेन दिखा रहा है, बट जिसके जो ग्रेन रहेंगे वो सब इक्वल साइज में रहेंगे, ठीक है। अब इक्वल साइज में भी ये देखिए उसका जो शेप रहेगा सब क्रिस्टल का सब हेड्रल टू यू हेड्रल मीन्स यू, ये देखिए पार्शियली फेस डेवलप रहेंगे या तो पूरा फुल्ली डेवलप रहेंगे। और एक रहता है अनहेड्रल, अनहेड्रल भी देख लेते हैं बट यहाँ पर ये केस में अनहेड्रल का काम नहीं है। अनहेड्रल जो रहेगा यहाँ पर क्या होगा ना, फेस बिल्कुल ही डेवलप नहीं होगा, ठीक है, फेस आइडेंटिफाई ही नहीं होगा क्रिस्टल का। ये देखिए इरेगुलर पूरा रहेगा इस टाइप में, तो इसे हम बोलते हैं अनहेड्रल, ठीक है। बट यहाँ पर जनरली हाइपीडियोमॉर्फिक मीन्स सब हेड्रल रहेगा, पानीडियो मीन्स यूहेड्रल रहेगा, जितने भी इसके फेस मतलब क्रिस्टल के फेस रहेंगे वो सब हेड्रल टू यूहेड्रल में वेरी करेंगे। अब देखते हैं इसका मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन क्या है। ऑब्वियसली मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया, ओलिविन 19 से ज़्यादा रहेगा, तो ये देखिए ओलिविन 19 और मोर देन एसेंशियल मिनरल यहाँ पर जो रहेगा ओलिविन ही, मतलब किसी रॉक में अगर 90 से ज़्यादा परसेंटेज का ओलिविन मिल जाए तो हम गेस कर सकते हैं कहीं ना कहीं ये ओलिविन है, ठीक है। तो एसेंशियल मिनरल इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो ओलिविन मिनरल एसेंशियल मिनरल है ड्यूनाइट का, बिकॉज ड्यूनाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर ओलिविन का प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में 90 से ज़्यादा तो हम अभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑब्वियसली कि ये रॉक ड्यूनाइट है, दैट्स व्हाई इसे बोला जा रहा है एसेंशियल मिनरल। अगर देखते हैं एसेसरी मिनरल इसमें क्या रहेंगे, पाइरोजिन रहेंगे ऑब्वियसली, हमने जो ट्रायंगल देखा था इसमें पाइरोजिन भी आ रहा था, ओलिविन ऑर्थोपाइरोजिन क्लिनोपाइरोजिन, तो ये पाइरोजिन तो रहेगा ही रहेगा। और एक रहेगा एम्फीबोल, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में आपको अगर देखने को मिलेगा एम्फीबोल। ये सब एसेसरी मिनरल है, मतलब ये हो भी सकते हैं नहीं भी, और इनका रहना या ना रहना इससे ड्यूनाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ड्यूनाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए ओलिविन ही सफिशिएंट है, बट इनका भी माइनर कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है, दैट्स व्हाई हम इसे बोल रहे हैं एसेसरी मिनरल। और एसेसरी मिनरल में रहेगा पाइरोक्सिन, एम्फीबोल एंड बायोडाइट। अब इसका अकोरेंस देखते हैं कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। अकोरेंस डाइक, डाइक के रूप में हमको देखने को मिलेगा सील एंड स्मॉल मेथोलिट, ठीक है। डाइक के रूप में आप डाइक क्या है देख लेते हैं। ये अगर रॉक बेड्स है, डाइक जो रहता है कॉनकॉर्ड डिस्कॉर्डेंट रॉक बॉडी रहता है, ठीक है, मतलब ये अगर रॉक बेड है, ये देखिए हॉराइजेंटल में है, ये देखिए ये रॉक बेड्स हैं, ये हॉराइजेंटल में है, बट डाइक जो रहेगा ये रॉक से क्रॉस कट रिलेशनशिप रखेगा, या तो ये वर्टिकल भी हो सकता है इस टाइप में, तो ये जो रहेगा क्रॉस कट रिलेशन रखेगा, तो इसे हम बोल रहे हैं डाइक। आपको ड्यूनाइट जो है डाइक के रूप में देखने को मिलेगा, या फिर सील। अब सील किसे बोलते हैं, जो कॉनकॉर्डेंट इग्नियस बॉडी रहता है, पैरेलल रिलेशन रखे रहता है, मतलब इंट्रूजन तो हो रहा है, इंट्रूजन होने के बाद ये देखिए इस टाइप में डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब इस टाइप में क्रिस्टलाइज हो जाएगा कि रॉक के साथ, ये देखिए पैरेलल रिलेशन दिखाएगा रॉक बेड के साथ, तभी हम उसे बोल रहे हैं सील। और होता है स्मॉल बैथोलिथ। अब बैथोलिथ क्या है, ये भी डिस्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडी है, ये देखिए अगर रॉक बेड्स है यहाँ पर इस टाइप में, तो यहाँ पर इंट्रूजन होने की वजह से ये क्रॉस कट रिलेशनशिप रख रहा है, ये देखिए रॉक बेड से, तो इसे हम बोल रहे हैं बैथोलिथ। तो ये था ऑल अबाउट ड्यूनाइट। आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर भी फ्रिक्वेंटली आपके क्वेरीज पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।